जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी में जो शॉर्ट टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, दूसरा जो चैप्टर आता है 11th का, जीव जगत का वर्गीकरण, पहला जो चैप्टर था जीव जगत, और उसके बाद शॉर्ट टॉपिक में जीव जगत का वर्गीकरण है। जीव जगत का वर्गीकरण, अब इसमें पहला जो टॉपिक आएगा इसमें इंट्रोडक्शन, दूसरा टॉपिक जगत। अब जगत में भी इसमें जो पार्ट आएंगे वो पार्ट है, पहला मोनेरा, मोनेरा के अंतर्गत दो टॉपिक है, आद्य बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। दूसरा आता है प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा में पांच आते हैं, पी का मतलब पांच, यानी प्रोटिस्टा में पांच भाग है। तो पहला क्राइसोफाइटा, क्राइसोफाइट, दूसरा डायनोफ्लेजिलेट, डायनोफ्लेजिलेट, तीसरा है यूग्लिनोइड, यूग्लिनोइड, चौथा टॉपिक औपंग कवक, औपंग कवक, पांचवा टॉपिक है प्रोटोजोआ। इसमें पांच भाग हुआ। तीसरा जो टॉपिक है इस जगत के अंदर का, तो इसमें आता है कवक, इसमें भी चार है, चार भाग है इसके भी। तो फर्स्ट है फाइकोमाइसिटीज, दूसरा है एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, तीसरा है बेसिडियो माइसिटीज, एसिडियो माइसिटीज, चौथा है ड्यूटेरियो माइसिटीज। जगत में चौथा भाग है पादप का, पांचवा है जंतु का, और छठा है वायरस। अब जगत ये अलग है, पांच तो है इसमें। अब जो छत्र तीसरा टॉपिक आएगा ना, इसमें अब तीसरा टॉपिक है वायरोइड, लाइक जो वायरस, वायरोइड और लाइकेन को पढ़ेंगे, ये याद रखना। अब इसमें जो जीव जगत में ये 100 टॉपिक हैं, इनको पढ़ ले, फिर इसके अंदर जो डिटेल एनसीईआरटी से पढ़ ले, तो आपको एनसीईआरटी में ये टॉपिक, ये जो ये चैप्टर है वो अच्छा हो जाएगा। इसमें जो तीन तीन टॉपिक हैं, इंट्रोडक्शन है, जगत है, और इस जगत में ये तीन, ये पांच टॉपिक, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जगत, जंतु, ये पांच टॉपिक है। अब मोनेरा के अंदर आद्य बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फाइस्कोमाइस, ये प्रोटिस्टा में पांच हैं, क्राइसोफाइटा, डायनोफ्लेजिलेट, यूग्लिनोइड, औपंकवक, प्रोटोजोआ। अब कवक में चार चार हैं, फाइकोमाइसिटी, एस्कोमाइसिटी, बेसिडियोमाइसिटी, ड्यूटेरियोमाइसिटी, से पादप और जंतु। फिर तीसरा टॉपिक पढ़ लेना वायरस, वायरोड, लाइकेन, इसमें आपके दूसरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।